आप में से हर कोई बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है ना, अमीनो एसिड पढ़ रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंजाइम्स, विटामिंस, हर कोई पढ़ रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री तो आप में से हर किसी ने पढ़ी है, बीएससी में एक बार पढ़ते हैं, एमएससी में जो भी है एक बार पढ़ते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया है लेकिन मतलब सेल बायोलॉजी है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही सेल ऑर्गेनेल्स, वही सेल साइकिल, वो सब कुछ आएगा। फंडामेंटल प्रोसेस ऐसा लगेगा कि नया कौन सा यूनिट आ गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये सब चीजें आएंगी। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में पूरा इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें बी सेल, टी सेल, बोन मैरो से कौन से सेल्स बनते हैं, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का काम क्या है, ऑटो इम्यूनिटी कैसे काम करती है, इम्यूनो डिफिशियंसी कैसा काम करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी का क्या रोल है, वो आएगा। शायद जो बायोटेक के स्टूडेंट होंगे उनको नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, क्लीवेज के टाइप्स है, फिर उसके अंदर सी लिगन आता है, एम्फीबिया की डेवलपमेंट आती है, प्लांट डेवलपमेंट के अंदर एक ही प्लांट आता है एरामडॉक्सिस, उसको छोड़ के दूसरा कोई प्लांट नहीं। सिस्टम फिजियोलॉजी मतलब प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर आप साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को पढ़ते हैं। सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल मतलब जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम से लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम।